राजधानी दून में दून डिफेंस कैरियर पॉइंट संस्थान में निशुल्क रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं शिविर का शुभारंभ राजपुर विधायक खजानदास ने किया। साथ ही इस निःशुल्क रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में लॉयंस क्लब की भी सहभागिता रही। इस दौरान शिविर में स्वास्थ्य से संबंधित ब्लड प्रेशर, ECG, शुगर सहित कई और बीमारियों की भी जांच की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान राजपुर विधायक खजानदास ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया और दून डिफेंस कैरियर पॉइंट के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोग इस तरह के शिविर में रक्तदान कर कई लोगों के जीवन बचाते हैं। कि इस कार्यक्रम के तहत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को आना था, किंतु वो कल दिल्ली चले गए थे और आज ही वो वापस लौटे हैं। हो सकता है कि अभी भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, किंतु फिर भी जिस तरह का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, चाहे छोटा आयोजन हो चाहे बड़ा आयोजन हो, जिस तरह से आप एक प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों के लिए भी और स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो नोटियाल जी द्वारा संचालित है, बहुत लंबे समय से इसको संचालित कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद, इनका मिशन और इनका लक्ष्य एक ही है कि देश की सीमा पे जो हमारे होनार युवा देश के, क्योंकि हिंदुस्तान युवा प्रधान देश है और स्वामी विवेकानंद के अनुयायी के रूप में हम उनकी एक ही वचन हमें ध्यान रखना चाहिए, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ो। मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ DDCP कोचिंग में। सर, यहाँ का माहौल और यहाँ का वातावरण हमें सबसे अच्छा लगा कि इस कोचिंग की, सर, कि यहाँ पर जिस हिसाब से हम देश में सेना की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड NDA में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमें क्राइटेरिया यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो दूर दराज से काफ़ी बच्चे आते हैं, वो माहौल को समझ नहीं पाते मैं किस कोचिंग में जाऊँ किस कोचिंग में न जाऊँ, लेकिन हमारे दून डिफेंस करियर पॉइंट ने उन बच्चों को अवसर दिया है। जो आपको ये नहीं फिक्स किया गया कि आप यहाँ पे 9 बजे आ रहे हैं, 9 से 12 तक पड़ी है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं यहाँ का। आपका नाम? मेरा नाम सर ध्रुव शर्मा, मैं UP आगरा से हूँ। यहाँ पर DDCP में आज रक्तदान का शिविर लगा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना रक्त दान किया है और वो किसी ऐसे के काम आएगा जिसे उसकी ज़रूरत है। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।